हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में 4% की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु 3 महीने में 18% की गिरावट, 6 महीने में 19% और 1 साल के अंदर 49% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक में काफी निवेशकों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए हाई बनता हुआ नजर आया 1.27 रुपीज। 1.27 रुपीज से स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म हाई बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में फिर से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली, जहां पर स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 84 पैसे। 84 पैसे से स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 1.04 रुपीज। 1.04 रुपीज से स्टॉक में एक रुकावट रेंज है और काफी पैनी स्टॉक है। जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को पहले से ही बाय कर रखा है, उन्हें स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। फ्रेश खरीदारी से अभी बचना चाहिए क्योंकि इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है और ये स्टॉक एक न्यूज के बाद ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।